नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूँ आपके साथ मेनका चौधरी। पूरे देश में 88 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। यूपी में 8 सीट पर मतदान जारी है। दूसरे चरण का मतदान चल रहा है पूरे देश में। अलीगढ़ में अब तक वोट परसेंटेज क्या है देख लीजिए, 44.03%। मेरठ में 47.60%। वहीं अमरोहा में अब तक 52% मतदान हुआ है। ये दोपहर 3 बजे तक की तस्वीर है। बुलंदशहर में 44.45% मतदान, तो गौतम बुद्ध नगर में 44.01% मतदान हुआ। मतदाताओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। अब देखना यह है कि पहले फेज के मुकाबले दूसरे फेज में वोट परसेंटेज बढ़ता है या नहीं बढ़ता है, क्योंकि चिंता चुनाव आयोग की यही है कि किस तरह से मतदान की फीसदी में इजाफा लाया जाए, और इसकी तमाम कोशिशें चुनाव आयोग कर रहा है। साथ ही साथ सभी राजनीतिक दल भी अपने अपने वोटर्स को ज्यादा से ज्यादा संख्या में पोलिंग बूथ तक पहुंचने की अपील कर रहे हैं। वोटिंग परसेंटेज पर एक नजर। अब तक का मतदान दोपहर 3 बजे तक की ये तस्वीर। मेरठ में 47.52% वोटिंग हुई है, यानी कि लगभग 48% मतदान दोपहर 3 बजे तक हुआ है। तो वही बात बागपत की कर ले तो यहाँ पर 42.92% मतदान, यहाँ पर कैंडिडेट का चेहरा बदला है। आरएलडी के खाते में ये सीट है। इस बार आरएलडी एनडीए का हिस्सा है। अलीगढ़ की तस्वीर भी देखिए, 44.08% मतदान, यहाँ पर तीसरी बार बीजेपी ने अपने कैंडिडेट को उतारा है। हैट्रिक लगाएंगे या नहीं लगाएंगे ये सवाल है। इसी बीच 3 बजे तक 44% वोटिंग हुई है। अगली सीट की बात कर लेते हैं। मतदान प्रतिशत गाजियाबाद का भी आपको दिखाते हैं। वीके सिंह, जिनका टिकट कट गया, इस बार बीजेपी ने अपना कैंडिडेट यहां पर बदल दिया है। 41.13% वोटिंग हुई है गाजियाबाद में, और इस तरह से वोट परसेंटेज में थोड़ा इजाफा होता हुआ दिख रहा है। हालांकि गर्मी की वजह से दोपहर में कम लोग बाहर निकले ऐसा कहा जा रहा है। बुलंदशहर 44.54% वोटिंग बुलंदशहर में हुई है, और कहा यह जा रहा है कि अब जो लोग पहुंचे हैं पोलिंग स्टेशन तक दोपहर 3 बजे और उसके बाद, तो ये परसेंटेज तेजी से बढ़ेगा। अमरोहा की बात, 51.44% मतदान अमरोहा में अब तक हो चुका है। ये अमरोहा की तस्वीर भी दिखा दिया हमने, और साथ ही साथ मथुरा का जिक्र कर लेते हैं, जहां पर 39.45% वोटिंग अभी तक हुई है दोपहर 3 बजे तक। मथुरा, जहां से हेमा मालिनी हैट्रिक लगाने के लिए चुनाव मैदान में है बीजेपी की ओर से, लेकिन वहां पर वोट परसेंटेज फिलहाल उतनी ज्यादा बढ़ती हुई नहीं दिख रही है। गौतम बुद्ध नगर में 44.08% मतदान दोपहर 3 बजे तक की यह तस्वीर है जो इस वक्त आप देख रहे हैं, और वोटिंग अभी चल रही है, मतदान चल रहा है। उम्मीद यही की जा रही है कि मतदान प्रतिशत में इजाफा देखने को मिलेगा। धूप और गर्मी की वजह से दोपहर में लोग नहीं पहुंचे, सुबह लोगों की संख्या ज्यादा थी, मतदाताओं की संख्या पोलिंग स्टेशंस पर ज्यादा थी, लेकिन दोपहर में थोड़ी कम, और अब शाम होते होते ये कतार लंबी हो गई है अलग अलग पोलिंग स्टेशंस पर। ये बात सामने आ रही है और वोट परसेंटेज में इजाफा देखने को मिलेगा, ये उम्मीद जताई जा रही है। अभी तक अगर आपने वोट नहीं किया है, अब भी वक्त है, घर से बाहर निकलिए और अपने अपने क्षेत्र में अपने पोलिंग स्टेशन पर जाइए और मतदान का इस्तेमाल कीजिए। और इसे ईवीएम और वीवीपैट को लेकर जितनी भी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी, उन याचिकाओं को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दे दिया, और इस फैसले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर करारा प्रहार किया। पीएम मोदी ने कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि बैलेट पेपर वाला दौर वापस नहीं लौटेगा। उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस पर सीधे हमला बोला और कहा कि आज मतपेटियां लूटने वालों को करारा जवाब मिला है। पीएम मोदी ने कहा था कि आज जब पूरी दुनिया भारत के सिस्टम की तारीफ कर रही है, तब ये सभी अब निजी स्वार्थ से बदनीयत से ईवीएम को बदनाम करने में लगे। ये बटन दबाने वाला खेल बंद होना चाहिए, यही उनका खेल चल रहा है। इंडी गठबंधन के हर नेता ने ईवीएम को लेकर जनता के मन में संदेह पैदा करने का पाप किया है, लेकिन आज देश के लोकतंत्र की ताकत देखिए, बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान की ताकत देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट ने अभी 1-2 घंटे पहले ही मत पेटियों को लूटने का इरादा रखने वालों को ऐसा गहरा झटका दिया है, ऐसा गहरा झटका दिया है
कि उनके सारे सपने चूर चूर हो गए। आज उच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि बैलेट पेपर वाला पुराना दौर वापस लौट करके नहीं आएगा। आज जब पूरी दुनिया भारत के लोकतंत्र की, भारत की चुनाव प्रक्रिया की, भारत के चुनावों में टेक्नोलॉजी के उपयोग की वाहवाही करती है, तारीफ करती है, तब ये लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए बदनीयत से ईवीएम को बदनाम करने पर लगे पड़े थे। इन्होंने लोकतंत्र के साथ लगातार विश्वासघात करने की कोशिश की है। और ईवीएम के मसले पर अखिलेश यादव ने भी बयान दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि ईवीएम को लेकर लड़ाई लंबी चलेगी। उन्होंने कहा कि कई विकसित देशों में ईवीएम नहीं। ये लड़ाई बहुत लंबी है, वीवीपैट को लेकर के, ईवीएम को लेकर के और बैलेट पेपर को लेकर के। ये लड़ाई लंबी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला है उसको अंतर्गत सब स्वीकार करेंगे, लेकिन लड़ाई रुकेगी नहीं, लड़ाई लगातार चलेगी। और लड़ाई इसलिए जरूरी है क्योंकि दुनिया के तमाम देश हैं जो ईवीएम और ईवीएम से वोट डलाने के लिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल मांग रहे हैं।